कहाँ से चोरी हुई? ब्लैंक पे। ब्लैंक पे? ये धर से कौन दिला? सुनो सुनो सुनो, क्या तारंगी बता दिला? बहुत कोई कहा था कि ब्लैंक पे तो काम है। मतलब बहुत लोग कहा था कि ब्लैंक पे मतलब छोड़ गई है। छोड़ गई है? तारो से कॉल की जाए है कि कॉल जाए लड़का कॉल बड़ा सा क्या कि छोड़ गया जी हो तो क्या सोच के कहीं बड़ा कि छोड़वा कि लिखवा? हां छोड़ा छोड़ा मैं कितना कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि ओएमआर पे बहुत बड़ा स्तर पर सेटिंग हो रहा है जिससे रिजल्ट प्रभावित होने वाला है और मेरा रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से सुन रहे होंगे। अगर आप बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपको भी ऐसा ऑफर मिला होगा या देने वाले होंगे तो ऐसा ऑफर जरूर मिला होगा कि इतना रुपया दे दीजिए, मेरा आपका ओएमआर पर ही सेटिंग हो जाएगा और आप दो चार नंबर रंग के आ जाइएगा ओएमआर में और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत ऐसा बात है, इसमें सच्चाई 0.1% है और भरमाया जा रहा है। और जानेंगे कि क्या वास्तविकता है कि ओएमआर पर सेटिंग होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्या प्रभाव डालने वाला है बिहार पुलिस रिजल्ट पे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ओएमआर पर सेटिंग होता है या नहीं होता है। दोस्तों, तो होने के लिए कुछ भी संभव है, बिहार है, उसके बाद बीपीएससी जैसे आयोग में सेटिंग हो सकता है, इतना बड़ा स्तर पे जहाँ पे क्वेश्चन पेपर छपता है वहीं से सेटिंग हो सकता है। तो ओएमआर चेक करते समय में भी रंग के आपका ओएमआर से चेक हो सकता है और ऐसा बहुत ऐसा एग्जामिनेशन में भी देखा गया है कि ओएमआर पे सेटिंग हो सकता होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता है, होता तो जरूर है, लेकिन बिहार पुलिस में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह जांच के विषय है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आयोग के प्रति आप लोग आवाज उठाइए और इसका जांच करवाइए बड़े स्तर पर, और जिसमें पता चलेगा कि वास्तव में ओएमआर पर सेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों अगर ओएमआर पर सेटिंग हो रहा है तो यह आयोग के जांच के विषय है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ताकि बहुत अगर ये खेला होने वाला होगा तो बहुत बड़ा स्तर पर हो रहा होगा, ठीक है। जिससे आपको बता दे दोस्तों कि सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो ओएमआर पर सेटिंग हो ही रहा है, लेकिन बात करेंगे कि प्रभाव क्या डालेगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक लाख प्लस एक लाख लाख प्लस लड़का का रिजल्ट आने वाला है। आप मुश्किल से ये सोच के चलिए कि 5% रिजल्ट छोड़ के ही चलिए, 95% में फाइट कीजिए, 5% पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं रहने वाला है आपको। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अगर आपका जो कटअप बताए हैं उसके अनुकूल नहीं देखे हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, उनके अनुकूल अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा तो दोस्तों यह हमेशा से अगर होता होगा तो हमेशा से होता होगा, नहीं होता होगा तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। आप निश्चित होकर अपने तैयारी पर फोकस कीजिए और नेक्स्ट न्यू वैकेंसी भी आने वाला है बिहार पुलिस का, और 2-4% पर इग्नोर कीजिए, ये सब फालतू बात है, बकवास ही है। अगर जांच होना होगा तो सीएसबीसी खुद जांच करेगी ओएमआर पर क्या सेटिंग है कि नहीं है, अगर होता होगा तो होता होगा, इतना भी हम लोग बड़े स्तर का नहीं है कि अब उतना तक घुस के अंदर तक ले पता कर ले कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी बहुत दिन से मेहनत करते हैं और इनका इनके सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, तो वीडियो को बने रहिए और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।